हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की सेंसेंस स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। ये असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी और विज्ञान की क्लास 6 की रहेगी, 29 सितंबर की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके आंसर्स के साथ मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊँगा। ठीक है, आप देख लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, 20 मार्क्स का है और अगर आपने सारी की सारी जो वर्कशीट है जो भी आई थी पहले, अगर अच्छे से देखी होंगी तो आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन उन्हीं में से हैं। ठीक है, ये आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे एक एक करके सारे के आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ से नोट करना और आंसर जो है पहले अपना ट्राई करना, सोचना कि क्या आंसर होगा। ठीक है, फिर मैच करना। ठीक है, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। मतलब हमारा जो भोजन है ना, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, फटाफट गैस करो, फिर आप आंसर देखते हैं। देखिए, हम ये अलग क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन यहाँ से नोट करेंगे, आंसर्स मैं आपको दिखाता हूँ, फटाफट देखते हैं आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सोचा होगा, ठीक है, कि कौन कौन से हो सकते हैं पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है, ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये भोजन के अंदर होने ही चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, याद हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा है सेकंड क्वेश्चन, भोजन में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों होने चाहिए। मतलब जो हम भोजन करते हैं ना, उसमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों चाहिए। मतलब कहने का ये है कि हम केवल रोज़ चावल ही खाते रहें तो वो काफ़ी क्यों नहीं है, या हम केवल रोटी ही खाते रहे वो काफ़ी क्यों नहीं है। मतलब हमारे भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें क्यों होनी चाहिए, जैसे फ्रूट भी होने चाहिए, सब्जियां भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश भी चाहिए हमें, जिससे हमें विटामिन डी मिलेगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हमें क्यों चाहिए, इसीलिए चाहिए ना बच्चों, ताकि हमारा पूरा संपूर्ण विकास हो सके। अब आप आंसर देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर पढ़ देता हूँ। भोजन में अलग अलग खाद्य पदार्थ इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये खाद्य पदार्थ हमें आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ लेंगे तो उस पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोगों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, अगर कोई भी खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है तो खाने में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है। तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, मंड, इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टार्च। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, रेशे क्या होते हैं, रेशे का मुख्य कार्य क्या है। अब आप इसका आंसर देखिए, तो आप लिखेंगे, रेशे वनस्पति पदार्थ होते हैं, इन्हें वृक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, ये हमें पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब इसके मुख्य कार्य क्या है, ये भोजन का आयतन बढ़ाते हैं, ये वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, वसा क्या है, कुछ वसा युक्त पदार्थों के नाम लिखिए। आप लिखेंगे, वसा एक प्रकार की चिकनाई है जो भोजन का मुख्य अवयव है। कुछ वसा युक्त पदार्थ के नाम निम्न हैं, पहला मूंगफली, तेल, गिरी, मछली, तेल, क्रीम, मक्खन, घी आदि। ये दो बार लिख दिया तेल, ठीक है, आप एक बार लिखना। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक किया करो, काफ़ी एफर्ट लगते हैं बनाने में, इतना इजी नहीं होता। ठीक है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है तब जाके आपके लिए वीडियो प्रिपेयर होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एफ पर। उसके बाद हमारा एफ है, हमारे शरीर में पानी के कार्य लिखें। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि
ये प्रश्न नंबर दो है ना, तो इनके हमें उत्तर देने हैं और ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब आपको इसमें एक एक आंसर बताना है खाली, ठीक है। निम्नलिखित पोषक तत्वों के नाम लिखिए, पूरा पूरा नोट करना, ओके। तो पहला ए बोला है, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखिए, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है ना, उन पोषक तत्वों के आपको नाम लिखने हैं। आप आंसर देखिए, तो आप आंसर लिखेंगे वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व निम्न हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये आप खाली ये आंसर लिख दें, ओके। या आप ये लाइन लिखना चाहते हैं तो लिखें, लेकिन ये मत डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप दो डॉट डालेंगे, कितने डालेंगे, दो डॉट डालेंगे इस तरीके से। तो कौन है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं बी कौन सा है। बी है पोषक तत्व जो हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। तो आप लिखेंगे प्रोटीन हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है, ओके। उसके बाद सी देखिए कौन सा है। सी है हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक खनिज का नाम लिखिए। खनिज का नाम बोला तो आप कैल्शियम लिखेंगे, ओके। तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए हमने तीनों कर लिए आंसर के साथ, मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। अब उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसने बोला है एक संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। और ये कह रहा है जो व्यक्ति केवल चावल और दाल खाता है उसका क्या होता है, उसे कुछ आहार योजना की सलाह दीजिए। मतलब उसे बताइए कि उसे कौन कौन सा भोजन करना चाहिए, ठीक है। आप आहार योजना की उसे सलाह भी आपको देनी है। देखिए अब आंसर देखिए, देखिए अब हम आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया ना एक संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए, तो आप इसका आंसर लिखेंगे हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए एवं हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक से ही है। और एक बात सुन लीजिए, अभी क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म ही हुआ है, यहाँ पे आहार योजना के बारे में बोला है ना, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का है। तो आप एक पिक्चर भी आहार योजना की बना के दिखा सकते हैं, मैंने भी दिखाई है, आप वो बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे आपसे पूछा गया है कि जो व्यक्ति केवल चावल और दाल खाता है उसका क्या होता है। अगर व्यक्ति केवल चावल और दाल खाता है तो वह केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्राप्त करता है, ठीक है। उसे हम फल, सब्जियाँ, मछली, रोटी आदि की सलाह देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप रोटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो है ना, इसका आपको जो है आहार योजना की सलाह दी गई है, तो हम ना क्या करेंगे, एक पिक्चर भी बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कि क्या कौन सा आहार हमें अपने जीवन में लेना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें, ठीक है। अब आप फटाफट उस पिक्चर को देखिए, आप बना लें, ठीक है, जिसमें एक अच्छी डाइट की सलाह दी गई है, ठीक है। और मैंने इस वीक के जो है सारी वर्कशीट जो है, जैसे कि आप जानते, प्रोवाइड करता हूँ, तो कुछ रह गई वो भी अपलोड जल्दी कर दी जाएंगी। और ये मेरा ASC स्टार्टर जो है एक अलग चैनल है, और टेलीग्राम चैनल भी है ये, आप चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो कम्प्लीट हो गई, होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे बच्चों, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना और खूब अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।